और एक बड़ा सुंदर गीत आपका आया है। हाँ, और सुंदर नहीं अति सुंदर है। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 12 बजे कि आज सजा देंगे हम मिलकर, अरे आज सजा देंगे हम मिलकर तुमको ये, अरे आज सजा देंगे हम तुमको, आज उन भूलों की तेरे गले में अब डालेंगे हम माला फूलों की। तो इस गांव की रीत यही है और जीवन संगीत यही है, मेरे मन का मीत यही है, यही है। तो मैंने देखा, लेकिन यहां से स्मित कर्ज बदल जाती थी दादरा। और मैंने देखा ये है, और तूने देखा, मैंने देखा तूने देखा, इसने देखा उसने देखा सबने देखा, क्या देखा क्या देखा, एक दुश्मन जो दोस्तों से बस इसमें लय बदल जाती है। आदरणीय हमारे चाचा जी सुनेगा सही है ना चाचा, मान लो जो सही है वो। बहुत बढ़िया बात आप लाई है। अंदर देखा बाहर देखा, बाहर देखा अंदर देखा, अंदर देखा बहुत देखा, तमाम जगह तमाम जगह, जमुना जी की धारा देखा। अरे चित्रकूट में राम से मिलने आराम से, चित्रकूट में राम से मिलने जब है भरत जी आए आए, अयोध्या की सारी प्रजा है भगवान राम के साथ में। सुने और माता कौशल्या सुमित्रा कह गई है, और सभी लोगों के मन में एक उत्कंठा है कि सबसे पहले प्रभु से हम मिले, सबसे पहले राम से हम मिले, तो मानस में बात मिलती है। चित्रकूट में राम से मिलने जब है भरत जी आए, सब चाहे एक साथ में मिलना, सब मिलना चाहते हैं, सब चाहे एक साथ में मिलना, तो राम जी युक्ति बनाए। सुने जवाब कौन सी युक्ति, तब तब प्रभु कौतुक है दिखाए, तो और प्रभु कौतुक है दिखाए, वो अमित रूप बनाए, सब मिल कर के सुख पाए, सुख पाए। लिखा है जब सभी लोग एक साथ मिलना चाहते हैं तो भगवान राम ने अनंत रूप बना लिया, सबको राम दिखाई दे रहे हैं, सामने सबके राम खड़े हैं, एक साथ सभी को राम मिल रहे हैं। हाँ। देखा माता सिया देख रही है कि वो तो माया पति की महामाया है। देखा अरे दाएं देखा बाएं देखा, दाएं देखा बाएं देखा, बाएं देखा दाएं देखा, दाएं देखा क्या देखा क्या देखा भैया, अरे क्या देखा क्या देखा, देखा किसी रघुबर, श्री रघुबर जो श्री रघुबर जो
सब में समाए हैं, एक दूजे को नजर आए हैं और एक दूजे में, अरे एक दूजे में रघुवर नजर आए एक बात और देखिएगा एक बात, अरे सेना लेकर साथ में आया शूर्पणखा की नाक कट गई तो खरदूषण के पास गई, दोनों सेना लेकर आ गए, अरे सेना लेकर आया साथ में, सेना लेकर साथ में आया दानव खरदूषण, तो लेकर धनुष और खड़े हो गए रघुकुल के कुलभूषण। तब मायापति ने माया दिखाई, अरे मायापति ने माया दिखाई, कि मायापति ने दिखाई है माया और माया में है वर माया। अमित रूप है बनाया बनाया, तो यहाँ देवतागण देख रहे हैं, यहाँ माता सिया देख रही है, यहाँ ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या, के दाएं देखा बाएं देखा, बाएं देखा दाएं देखा, दाएं देखा बाएं देखा, दाएं देखा क्या देखा क्या देखा। एक दूसरे को राम दिखाई दे रहे हैं, सामने वाला राक्षस समझ रहा है कि ये राम है, वो समझता कि ये राम है, एक दूसरे के पेट में तलवार भोंक देते हैं, सबके सब मर जाते हैं। राम खड़े रहते हैं, किसी से लड़ते नहीं, अपनी माया फैला देते हैं और माया माया के बसित भूत होकर सारे दानव मारे जाते हैं। तो देखा श्री रघुबर जो और भी प्रसंग है, एक प्रसंग और भी मिलता है। भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या गए, अयोध्या में सारे प्रजावासी उनसे मिलना चाहते हैं एक साथ में, राम ने यहाँ भी अनंत रूप बनाया और सबसे एक साथ में मिले, सबसे एक साथ में मिले। बोलो साचे दरबार की जय। 12 बजे हल्लो करो, अरे बाबा नंद। अच्छा अच्छा, सम्मान श्री नंद किशोर जी माखन चोर कन्हैया कन्हैया लाल की जय, उनकी ओर से 51 पत्र उतराए हैं, जैसे आपको नमन है। मैं रहा हूँ और आदरणीय कल्पना दुबे जी, अच्छा लगेगा आपको। गीत बजा कौन सा, के कोई आया है क्या बात है, बात बात है। कोई आया है
दिल घबराया है और कोई आया है, नैना से नैना लड़ गए और कंगना से कंगना बच गए। पुतली जैसे हर दूजा कोई हो तो मचा दूं मैं शोर, आया 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 अतरिया पे कोई छोर, आया बैरी बलमो तो चुप रहूं मैं, बैरी बलमो तो चुप रहूं मैं, और दूजा कोई हो तो बचा दूं मैं शोर, आया आया अतरिया पे कोई के मर गई मैं के आया आया। श्री हनुमान जी महाराज मुद्रिका को लेकर के पहुंच गए अशोक वाटिका में। एक गुप्त रहस्य बता तो दिया, जाकर चूंकि माँ सीता आपको पहचानती नहीं है, बस जाके बता देना राम भक्त में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की पहचान जाएंगे। लेकिन उससे पहले हनुमान जी पहचान गए, देखा माता सीता अपने दोनों चरणों में जो चरण चिन्ह है उसे देख रही हैं। उसी को क्यों देखती हैं? क्योंकि जो भगवान श्री राम के दाएं पैर में जो चरण चिन्ह है वो माता सीता के बाएं चरण में वो चिन्ह है, 24-24 चरण चिन्ह वही देख रही हैं। कि भगवान के चरणों की सेवा करते हैं हनुमान जी, वही चरण चिन्ह देख लिया, दाएं बाएं बाएं दाएं, बस पहचान गए और जाके प्रणाम किया। माता सीता ने संदेह किया, रामदूत हो नहीं सकते, तो कहने में रामदूत हूँ, तो कहा अगर आप रामदूत हैं तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार, मानस में बात नहीं मिलेगी लेकिन वाल्मीकि रामायण उठाइए तो देखेगा, उसमें लिखा है कि हनुमान जी से माता सीता ने सवाल कर दिया, अगर आप रामदूत हैं तो उनका जीवन परिचय बताइए, उनके शरीर में कहां कहां कौन कौन से चिन्ह हैं वो आप हमें बताएं। सुनेगा हनुमान जी कहने लगे, सुनो मैया क्या सुनेगा के फोर्थ पन आया है, क्या बात है, बहुत सुंदर, कोई जोर नहीं तुम्हारा। सुत पाया है महाराज, जैसे कि जब चौथा पन आ गया, फोर्थ पन चौथा पन आ गया तो चार पुत्रों की प्राप्ति हुई, पुत्रेश ने किया आओ। फोर्थ पन आया है तो फोर सुत पाया है और फोर्थ पन आया है तो 1+3 = 4, 1+3 = 4, एक राजा उनके तीन रानी, 1 और 3 मिला के 4, राजा मिला के 4 हो गए, तो कहना 1+3 = 4, तो वो 4 और उनके 4
चार पति पत्नी मिलके चार, तो उनके चार पुत्र, और चार पुत्र तो चार बहुएं भी लेकर के आए। तो फोर भाइयों को कोई फोर नहीं पाया, फोर भाइयों को कोई फोर नहीं पाया, और शादी के बाद बहुएं आई फोर। तो प्रभु के पावन में, प्रभु के दोनों पावन में, पावन माने चरण और पावन माने पवित्र, तो प्रभु के पावन में पावन चिन्ह 24, प्रभु के पावन चौबीस चरण चिन्ह है, 24 दुना 48। उसके बाद कहा उनके कौन अंग कैसे हैं, तो चार अंगों का वर्णन किया। लिटिल अंग पाए फोर, चार अंग छोटे हैं, कहना गला, लिखा गला पीठ दोनों पिंडलियां, और लिटिल अंग पाए फोर, भाल रेखाए फोर। त्रिवली अगर बनती है तो उसमें चार रेखाएं बन जाती है, और भाल रेखाएं फोर, तो बाल लीला किए 14। बाल लीलाएं 14 और वनवास पाए 14। 14 वर्षों का वनवास मिला, और सुंदर सी काया में फोर पाया। चार सुंदर अंग हैं, कपोल, भुजाएं, जांघे और घुटने, तो अंग बराबर पाए हैं फोर, तो प्रभु के पावन में, और पावन चिन्ह 24। और यही नहीं कि फोर गति नायक हैं, चार प्रकार की चाल चलते हैं, जैसे सिंह, बाघ, हाथी और सांड। मैंने कह रहा ये वाल्मीकि रामायण गहरी है भैया। और फोर गति नायक हैं, फोर फलदायक हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष चार फल को देने वाले हैं। फोर गति नायक हैं, तो यश कीर्त गाए वेद फोर। चार वेद उनकी कीर्त महिमा को गा रहे हैं, 18 पुराण तो अलग है, चार वेद उनकी महिमा गा रहे हैं। यश कीर्त गाए वेद फोर, और भुवन हर्षाए पन फोर। 14 भुवन हर्षाए उनकी कृपा से, और बरसात तुम्हारी तो व्याकुल रघुनाई। सुग्रीव से मिताई हो गई, सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। 4 महीने बरसात के बीत गए, जब मिलने नहीं आया तो लक्ष्मण को भेजा कि बरसात तुम्हारी तो व्याकुल रघुनाई, और प्रबंसक पर्वत पर और गिरी पे बिताया है माह फोर, तो रमन नामों में के रमन नामों में, अरे रमन नामों में पाया अंक 54। 54
नाम में सीता और सीता के नाम में 54, राम के नाम में 54 अंक, 54 दुना 108, 108 की माला होती है, 108 ब्रह्म में मिलता है। तो रमन नामों में पाया अंक 54, सुनिएगा।